वेलकम टू अवर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस चैनल। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके साथ उसके बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी एनालिसिस करेंगे, वो कंपनी पेंट इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी मानी जाती है, थी एशियन पेंट। कंपनी की हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड वॉर टू और भारत छोड़ो मूवमेंट की वजह से ऑयल इम्पोर्ट पर बैन लग गया था, जिसकी वजह से भारत में कुछ गिनी चुनी कंपनियां बची थी फॉरेन की और शालीमार। ये अपॉर्चुनिटी चार दोस्त चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने देखी। ये चार दोस्तों ने मिलकर फरवरी 1942 में मुंबई में गिर गांव में एक छोटे से गैराज में एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। 1965 में नाम बदलकर एशियन पेंट लिमिटेड रखा गया। स्टार्टिंग में सिटी के बड़े डीलर के पास पेंट बेचने गए, उन्होंने पेंट बेचने से मना कर दिया। तभी मैनेजमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और वो डायरेक्ट रिटेलर शॉप के पास पहुंचे, उनको ऑफर दिया। तभी महाराष्ट्र के सांगली गांव का एक रिटेलर शॉप पेंट सेल करने के लिए राजी हो गया और उन्होंने पहली डीलरशिप ली और उसके बाद प्रोडक्ट सेल किया कंपनी, और दोनों ने प्रॉफिट कमाया और उसके साथ साथ और डीलर बने और उसकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती गई। पहले के टाइम में लोग घर को चूने से रंग करते थे और बड़ी कंपनियों के पेंट महंगे थे, इसके लिए वो एफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तभी 1950 में एशियन पेंट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, पॉसिबल डिस्टेंबर, जो चिप चूने से अच्छा और प्लास्टिक पेंट से सस्ता था, जो दोनों के बीच का मेल था और उसकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ। और उसका प्रमोशन कंपनी ने डोंट लूज योर टेम्पर यूज ट्रैक्टर डिस्टेंबर के स्लोगन से किया। उस टाइम मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े कंटेनर में ज्यादा प्रायः भाव में पेंट सेल करती थी, जिसकी वजह से आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहां पे कंपनी ने छोटे टिन में किफायती दामों में पेंट सेल किया और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रख के कंपनी ने ग्रोथ की और उसका सेल बढ़ता गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिस पर गाय और भैंस के सिंग को कलर करते थे। पहले के टाइम पे वो जो लोग यूज करते थे कलर, वो टिकता नहीं था क्योंकि गाय और भैंस मिट्टी में सिंग डालते थे तो कलर निकल जाता था। वहां पे कंपनी ने छोटे टिन में एट्रैक्टिव और ब्राइट कलर दिए, जो टिकता भी ज्यादा था, दिखता भी अच्छा था और लोगों को ये पसंद आने लगा। ऐसे ही कंपनी अपने छोटे बट पावरफुल स्टेप्स लेके लोगों के दिलों में और मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाती जा रही थी। कंपनी ने एडवर्टाइज के लिए फेमस कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण को बुलाया। आरके लक्ष्मण जी ने एक कार्टून बनाया जिसमें बच्चे के एक हाथ में पेंट का डिब्बा और दूसरे हाथ से दीवार पर पेंटिंग करता हुआ कार्टून बनाया और उसी बच्चे के अलग अलग कार्टून बनाए। इस कार्टून का नाम गट्टू रखा गया और ये गट्टू भाई साहब बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। एशियन पेंट ने 1980 के दशक में एक इमोशनली अटैच्ड सिग्नेचर टैगलाइन दी, हर घर कुछ कहता है। इस टैगलाइन के जरिए कंपनी फेस्टिवल्स, दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर और फंक्शन, शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी हो, तब अपने घर को पेंट करने के लिए कैंपेन चलाए और इसको प्रोत्साहन दिया। एशियन पेंट डिजिटली अपने कस्टमर के साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से कनेक्टेड है और वहां पे वो नए नए प्रोडक्ट डिजाइन और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बात जानकारी देते रहते। कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे भी इनोवेटिव तरीके से अलग अलग आर्टिस्ट से अपने ऐड करवाते हैं। एशियन पेंट का एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो है एंटी कोरोशन, जो आने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी होगा उनके केबल पर लगाने के लिए। ये केबल्स को कोरोशन होने से बचाती है। एक और उसकी प्रोडक्ट है नेचुरल पेंट। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, इसकी प्रोडक्ट रेंज। तो अब दोस्तों कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस देखते हैं। एशियन पेंट अपने 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ 16 देशों में कारोबार करते हुए दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल करती है। इस इमेज के हिसाब से देखें तो एशियन पेंट के नाम से इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में और इंडोनेशिया में प्लांट्स है। एशियन पेंट कॉजवे के नाम से श्रीलंका में प्लांट्स है। एप्को कोटिंग के नाम से फिजी और सोमालिया, आइसलैंड में भी प्लांट है। SCIBV पेंट से इजिप्ट में, तंबुआ से फिजी और सोमालिया में। एशियन पेंट बर्जर से यूएई, बहरीन, ओमान और कतार में है। कैडिस्को एशियन पेंट से इथियोपिया में अपने प्लांट से कंपनी कारोबार चलाती है। रीजन वाइज इंटरनेशनल ऑपरेशंस रेवेन्यू मिडल ईस्ट 26%, अफ्रीका 24%, साउथ पैसिफिक 5%, एशिया में 45% रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रोडक्ट लिस्ट में एशियन पेंट होम डेकोर के अंडर पेंट्स, वाटरप्रूफिंग, वॉल कवरिंग, एडहेसिव, सैनिटरीवेयर, फर्निशिंग और लाइटिंग प्रोवाइड करती है। उसके साथ वो पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, सैनिटाइजेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कंपनी फर्नीचर, कस्टमाइज टाइल्स, किचन, वार्डरोब और बाथ फिटिंग की फैसिलिटी भी देती है। ये प्रोडक्ट और सर्विसेज का
डोमेस्टिक रेवेन्यू 83.9%, इंडस्ट्रियल कोटिंग का 2.3%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.5%, होम इम्प्रूवमेंट से 2.3% रेवेन्यू जनरेट करती है। डेकोरेटिव सेगमेंट में 50% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक पेंट में। 70,000 से ज्यादा इंडिया में डीलर्स है। कंपनी ने कोविड पेंडेमिक के टाइम पे सेफ पेंटिंग की सर्विसेज भी लॉन्च की थी। एशियन पेंट का एक प्लेटफॉर्म है ब्यूटीफुल होम विद एशियन पेंट, के जरिए इंडिया में 18 स्टोरों से कस्टमर को होम डेकोर का वन स्टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है और वो 2200 से ज्यादा कलर शेड्स भी ऑफर करती है। होम इम्प्रूवमेंट में एशियन पेंट किचन सेगमेंट में अपने स्लिक बाय एशियन पेंट के ब्रांड से मॉड्यूलर किचन विद कंपोनेंट्स एसेसरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन देती है। बाथ फिटिंग सेगमेंट में कंपनी बाथ प्रोडक्ट्स के साथ बाथरूम प्लानिंग का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। इंडस्ट्रियल बिजनेस में देखे तो पीपीजी यूएसए इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कंपनी ने 2 बड़े वेंचर्स भी किए हैं। कंपनी ओईएम्स और अदर इंडस्ट्री के लिए पेंट्स और कोटिंग बनाती है। ऑयल एंड गैस पावर प्लांट्स व्हाइट गुड सेक्टर के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग फ्लोर कोटिंग रोड मार्किंग और पाउडर कोटिंग बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए। एशियन पेंट के ब्रांड में इंटीरियर पेंट में वो रॉयल और ट्रैक्टर ब्रांड है। एपेक्स एपेक्स अल्टीमा इस ब्रांड से घर की बाहरी पेंट बनाती है। एपको लाइट से मेटल फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाती है। वुड टेक ब्रांड से वुड फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। एडहेसिव प्रोडक्ट्स वो लॉकटाइट और ट्रू ग्रिप ब्रांड से बेचती है। स्मार्ट केयर ब्रांड से वो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट बनाती है। वॉल कवरिंग प्रोडक्ट नीलाया ब्रांड के अंडर में आती है। एशियन पेंट के शेयर प्राइस वैल्यू और फाइनेंस पर नजर डालते हैं। कंपनी का पी 105.48 है जबकि सेक्टर का सिर्फ 12.70 है, जो कि साफ दर्शाता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है। कंपनी का पी अच्छा है 22.51 है जबकि सेक्टर का सिर्फ 2.66 है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.57% है जबकि सेक्टर का थोड़ा अच्छा है 2.42%, बट उसके सामने कंपनी अपने स्टॉक में ग्रोथ दे रही है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम देखे तो हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे चार्ट पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे उसका ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। कंपनी की नेट इनकम देखे तो 2013, 14 और 15 तक सिमिलर रही है, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है और उसके बाद 2016, 2017, 2020 तक देखे तो डबल हो गया है। 2020 से आगे जाए 2021-22 में तो 2021 और 22 का थोड़ा बड़ा सेम है। उसके सामने उसका रेवेन्यू देखे तो भी वो हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखने के बाद चलो अब दोस्तों देखते हैं ईपीएस, कैश फ्लो और इक्विटी। वो देखे तो ईपीएस हर साल हुआ दिख रहा है, लास्ट 2-3 साल में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, सिमिलर है। बट 2013 से लेकर 2022 तक देखे यानी तकरीबन 10 साल का इतिहास में देखे तो 2013 में सिर्फ 11% के आसपास था जबकि 2012 में 31%, जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा माना जाता है क्योंकि वो 3 गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है मेरे को। उसके साथ उसके फ्री कैश फ्लो देखे तो भी सिमिलर ही है, अच्छा खासा बढ़ता घटता रहता है। बट कंपनी के पास अभी भी इफिशियंट फंड है कि अपनी लोन्स और बाकी की कर्ज या फिर कुछ और करना हो तो कर सकती है वो कंपनी। कंपनी के नेट लायबिलिटी और एसेट्स के सामने इक्विटी देखे तो वो भी बहुत ही अच्छे दिख रही है। पिंक कलर में जो आपको शो हो रहा है वो एसेट्स है, येलो कलर साइड में जो है वो लायबिलिटी है, ग्रे कलर में इक्विटी। यानी इक्विटी के सामने लायबिलिटी देखे तो भी बहुत ही कम है, एसेट्स उसके ज्यादा है। यानी कंपनी अपने इक्विटी और एसेट्स के बीच में लायबिलिटी को बैलेंस करे हुए है, यानी वो कंपनी लगातार एसेट्स भी बढ़ा रही है, इक्विटी भी बढ़ रही है, उसके सामने लायबिलिटी बढ़ रही है बट वो भी कंट्रोल में है। कंपनी ज्यादा लायबिलिटी नहीं है, यानी कंपनी को कुछ अगर आगे हुआ तो कंपनी पूरे पूरी लायबिलिटी चुका सकती है अपने एसेट्स से। कंपनी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, ई रेशियो पहले ही देखा कि सेक्टर के सामने बहुत ही ज्यादा है तो वैसे ही अपने पीयर्स के सामने वो उसका पी रेशियो बहुत ही हाई। येल्लो साइड में पी रेशियो देखे तो वो भी अच्छा है, बाकी सारी कंपनियों से पीवी रेशियो उसका अच्छा है। डिविडेंड यील्ड कम है बट सभी सेक्टर की भी कम ही है, कुछ ज्यादा डिविडेंड दे नहीं रहे ये लोग। बर्जर पेंट देख लो, कंसाई देख लो या फिर इंडिगो देख लो, बट ओवरऑल देखे तो कंपनी का फंडामेंटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल देखे तो बाकी कंपनियों से उसका फंडामेंटल और मैनेजमेंट बहुत काफी अच्छा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है इस इंडस्ट्री में। एशियन पेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में देखते हैं तो पहले के 2021 सितंबर में 60% के आसपास थी, जो घट के जून 2022 में 52-53% के आसपास ही दिख रही, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग सेल कर रहे या फिर प्लेज कर रहे। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखे
तो सितंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में कम थी, बट मार्च 2022 में उन्होंने एकदम से खरीदा और जून में आते आते उन्होंने बेच भी दिया एशियन पेंट के वो स्टॉक्स। वैसे एफआईआई और डीआईएस देखे तो वो बेचती है, खरीदती है, बेचती है, और अभी तक देखे तो एक साल में लगभग सेम सा ही दिख रहा है। बट माइनर देखे तो रिटेलर्स और अदर्स की जो इन्वेस्टमेंट है सितंबर 2021 में 20% से कम थी, जो जनवरी 2022 में थोड़ी बढ़ी, अप्रैल और मार्च 2022 में उससे 20% से ऊपर हुई, जून में देखे तो 21% से थोड़े ऊपर है रिटेलर्स और अदर इन्वेस्टर की वैल्यू, इसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है आपको, जबकि प्रमोटर्स डीआईआई एफआईआई सेल करते रहते हैं, बट रिटेलर का विश्वास है तो वो खरीदते हैं। अभी एशियन पेंट की टेक्निकल एनालिसिस उसके वन डे के चार्ट पर करते हैं। 22 तारीख से पहले देखे तो स्टॉक ने लगातार अपट्रेंड दिखाया हुआ था, पर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लास्ट दो दिन में देखे तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गया है और आगे भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो प्राइस अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल भी सकता है। जो लेवल वो टेस्ट करके वापस आया है उसके बाद उसका रेजिस्टेंस वो बन गया हुआ लग रहा है, और उसके सपोर्ट देखे 3,300 रुपए से लेकर 3,250 तक फिलहाल उसके सपोर्ट जोन दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो और गिर सकता है, वहां पे अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है आप लोगों को। एमएसडी सेल सिग्नल दिखा रहा है, आरएसआई देखे तो वो भी 60 के आसपास चल रहा है, जो कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मूविंग एवरेजेस देखे तो रेड कलर 10 डेज वाली एवरेज को 100 डे वाली मूविंग एवरेज काट रही है, आगे देखे तो 200 ब्लू कलर की लाइन 15 डेज के आसपास आने की कोशिश कर रही है, जो कि साफ साफ सेल की तरफ इशारा कर रही है। प्राइस को वीकली चार्ट पर देखते हैं तो लास्ट 3 वीक छोड़ दे तो लगातार अपट्रेंड की रैली आपको दिखाई दे रही है। लास्ट 2 वीक्स के में देखे तो लास्ट 3 वीक्स में देखे तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। प्राइस में करेक्शन आएगा तो बाइंग देखने को मिल सकती है आप लोगों को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ काम आएगा स्टॉक बाइंग करने के लिए। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस और इसकी टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।